कानपुर से मेयर सीट भाजपा और सपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है। भाजपा से मेयर पद के लिए प्रमिला पांडे मैदान में है, जबकि सपा से विधायक अमिताभ वाजपेयी की पत्नी वंदना वाजपेयी चुनावी रण में हैं। दोनों के बीच कांटे का मुकाबला होने की हवा बनाई जा रही है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी आशनी अवस्थी बीजेपी को सीधी टक्कर दे रही हैं। भाजपा के नज़रिए की बात करें तो इस निकाय चुनाव को वह आगामी लोकसभा का सेमीफाइनल मान रही है। कानपुर की मेयर सीट इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि इस सीट पर जीत हार का अंतर प्रदेश की राजनीति में बड़ा मैसेज देता है। चुनाव प्रचार में ही सपा ने भाजपा मेयर के बेटे बंटी को लेकर चुनाव भाजपा बनाम सपा बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जहां एक ओर कानपुर महापौर पद पर जीत हासिल करने के लिए बीते एक हफ्ते में भाजपा के बड़े दिग्गज कानपुर में जुटे रहे। 3 मई को मंत्री नंदगोपाल नंदी, 4 मई को डिप्टी सीएम बृजेश पाठक, 5 व 6 मई को मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, 6 मई को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और 9 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभा की। वहीं दूसरी ओर चुनाव को सपा बनाम भाजपा बनाने के लिए राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीते 10 दिनों में 4 जनसभाएं की। 8 मई को सांसद डिंपल यादव और 9 मई को अखिलेश यादव ने रोड शो कर सपा के पक्ष में वोट करने की अपील की, जबकि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता आशनी के लिए नहीं आया, जो जाहिर करता है कि कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में है। कानपुर में साल 1995 से लेकर 2017 तक के चुनाव में 5 महापौर बने हैं, सभी सवर्ण बिरादरी से हैं। इन 22 सालों में सपा बसपा कांग्रेस ने दूसरी जातियों के लोगों को प्रत्याशियों के रूप में उतारा, लेकिन सफलता सवर्ण प्रत्याशी को ही मिली। इस बार चुनावी मैदान में सपा भाजपा और कांग्रेस तीनों ने ही सवर्ण बिरादरी से प्रत्याशी उतारे हैं। महापौर पद के लिए भाजपा से पहले सांसद सत्यदेव पचौरी की बेटी नीतू सिंह का नाम फाइनल था, लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपना वीटो लगाकर पूर्व महापौर प्रमिला पांडे को टिकट दिलाकर सभी को चौंका दिया। विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए सतीश महाना लगातार बीते एक हफ्ते से फ्रंट फुट पर आकर राजनीतिक सभाएँ, रोड शो और जनसभाएँ कर रहे हैं। मंगलवार को हुई मुख्यमंत्री की जनसभा में भी सतीश महाना मौजूद रहे। सतीश महाना अपनी विधानसभा महाराजपुर में प्रमिला पांडे को साथ लेकर करीब 6 से 7 रोड शो कर चुके हैं। महापौर पद पर सभी प्रत्याशी भले ही पूरे शहर में घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं, लेकिन अंदर खाने सभी पार्टियां विधानसभावार अपना अपना गढ़ मजबूत कर रही हैं। सपा ने सीसामो, आरनगर और कैंट सीट के मतदाताओं पर फोकस किया है क्योंकि इन सीटों पर सपा का कब्जा है, जबकि इन तीनों सीटों की जमीनी रिपोर्ट बताती है इरफान सोलंकी मामले को लेकर यहां का वोटर सपा और अखिलेश यादव से बुरी तरह से नाराज है। वहीं गोविंदनगर, किदवईनगर, महाराजपुर, कल्याणपुर में भाजपा अपना वोट बैंक का किला मजबूत करने में जुटी है। यहां कांग्रेस और भाजपा के अलावा सपा का दूर दूर तक अता पता नहीं है। कानपुर में 22,17,000 वोटर है, जिसमें से 6 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण वोटर है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी की बात है कि इस बार ब्राह्मण वोटरों ने चुप्पी साध रखी है। इसी चुप्पी ने भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है। ब्राह्मण वोटर बीजेपी का मतदाता माना जाता है। जानकारों का मानना है कि इस नगर निगम चुनाव में ब्राह्मण वोट किसी एक पार्टी की तरफ जाता नहीं दिख रहा है, बल्कि 2 पार्टियों में ज़्यादा और 1 में कम बढ़ सकता है। सभी पार्टियां ब्राह्मण वोटरों को लुभाने में जुटी हुई हैं। यदि ब्राह्मण वोट बैंक में बंटवारा होता है तो इसका सीधा नुकसान बीजेपी को होता दिख रहा है। वहीं कानपुर के मुस्लिम वोट बैंक में कांग्रेस और सपा की नज़र है। इसके अलावा करबला और निशाने पैक के मुद्दे ने सपा की हवा निकाल दी है। इसके साथ ही तीनों प्रमुख दल ओबीसी और एससी वोट बैंक में सेंध लगाने में जुटे हैं, लेकिन यहाँ भी यह वोट 2 दलों में ज़्यादा और 1 दल में कम जाने की चर्चा है, जिसकी वजह से कानपुर का मुकाबला सीधा भाजपा और कांग्रेस के बीच बताया जा रहा है। बीते 22 सालों से महापौर पद पर भाजपा का कब्जा है। साल 1995 में भाजपा की सरला सिंह चुनाव जीती थी। वहीं साल 2000 में कांग्रेस के अनिल शर्मा फतेह हासिल करने में कामयाब हुए थे।
2006 में भाजपा से रविंद्र पाटनी, 2012 में भाजपा से जगतवीर सिंह द्रोड़ और 2017 में भाजपा की प्रमिला पांडे चुनाव जीत कर आई थी। इन सभी चुनावों में सपा कभी भी कोसों दूर तक रेस में नहीं दिखाई दी। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।